नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रफुल्ल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एशिया कप का फोर्थ मैच। इंडिया के सामने अब होगी हांगकांग। वेल, सबसे पहले तो हांगकांग की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहली दफे ऐसा हुआ है कि दोनों टीम सामने सामने हो रही है, इंडिया के सामने हांगकांग है। और बात करें क्वालिफायर मैचेस की तो दोस्तों एक चीज तो साफ तौर पे हमें नजर आई थी, हांगकांग की बॉलिंग अटैक काफी सॉर्टेड दिखाई दिया था भाई। सबसे पहले सिंगापुर को हराया था और 8 रनों से जीत दर्ज करी थी, और उसके बाद कुवैत को 8 विकेट से हराया था, फॉलोड बाय यूएई जिन्हें एक बार फिर 8 विकेट से मात दी थी। तो दोस्तों यहां पर जो हांगकांग का बैटिंग लाइनअप है एंड एज वेल एज बॉलिंग अटैक दोनों ही सॉर्टेड दिखाई दिए हैं। ओवरऑल 3 मुकाबले हुए थे क्वालिफायर मैचेस में और टोटल हांगकांग ने 26 विकेट निकाले थे। सिंगापुर के खिलाफ इन्होंने अच्छी प्रदर्शन किया था, कुवैत के खिलाफ इन्होंने 9 विकेट लिए थे और यूएई की पूरी टीम को पवेलियन भेजा था। तो दैट मींस बॉलिंग अटैक इनका काफी सॉर्टेड है, बट इंडिया के खिलाफ कैसा रहता है अब देखना होगा। सो वेल, बॉलिंग अटैक हांगकांग का डिसेंट है। टॉकिंग अबाउट द बैटिंग लाइनअप, अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड जो है वो टॉप ऑर्डर हुआ है, मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है ये भी हमें देखना होगा। तो अब जाके हांगकांग को मिलेगा असली चैलेंज। वेल, टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम भाई, पहला जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला अगेंस्ट पाकिस्तान, 5 विकेट से जीत दर्ज करी और नेल बाइटिंग फिनिश रही थी। एंड नो डाउट हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के चलते ही इंडियन टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीती थी। यहां पर कुछ चेंजेस डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर कोशिश करी जाए तो ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है प्लेइंग 11 में। आपका क्या ख्याल है इस बारे में हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिच रिपोर्ट से लेकर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, नजर डालेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडियन प्लेयर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, हांगकांग के भी कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके ड्रीम 11 टीम में कारगर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और एक चीज तो है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस एनालिसिस की, सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर मैच होने वाला है और टोटल अब तक अगर हम देखें पिछले दोनों मैचेस को इंक्लूड करके तो 76 टोटल मुकाबले हुए हैं, जहां 34 टाइम्स फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 41 टाइम्स रन चेज करने वाली टीम जीती है। और पिछले दोनों ही मुकाबले चाहे वो अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका हो या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक चीज तय थी कि टॉस जीतकर कैप्टन पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे और वो कारगर साबित भी होगा। हांगकांग के खिलाफ डेफिनेटली उम्मीद तो यही है कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर पहले बल्लेबाजी भी करती है तो मुकाबला जीतेगी। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो अच्छा नहीं है, बट वी नो यहां पर चीज एक तरफा होती नजर आ सकती है। इस ट्रैक पे हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दोस्तों आयरलैंड ने बनाया हुआ है अगेंस्ट स्कॉटलैंड 211 रन, और लोएस्ट स्कोर बनाया है वेस्ट इंडीज ने अगेंस्ट इंग्लैंड 55 रन फॉर 10 विकेट्स। अब हाईएस्ट स्कोर चेज कितने किए गए हैं, तो भाई अफगानिस्तान ने यूएई के खिलाफ 183 रन चेज किए थे 5 विकेट खोकर। तो ये है पूरा अभी तक का स्टैट्स पिच रिपोर्ट का। बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं भाई, एशिया कप में अभी तक 2 मैचेस हुए हैं यहां पर, पहला और दूसरा, और टोटल 24 विकेट इन दोनों मैचेस में लिए गए थे, जहां पेसर्स ने चटकाए हैं 16 विकेट और स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं 8 विकेट। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, इस पे आप गौर जरूर करिए कि एक बार फिर इंडियन टीम का पेस अटैक शानदार प्रदर्शन कर सकता है और भुवनेश्वर कुमार पे सभी की निगाहें रहने वाली है अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या एंड अर्शदीप सिंह। ये 3 गेंदबाज एक बार फिर तहलका मचा सकते हैं। देखना होगा कि क्या युजवेंद्र चहल इस मैच में हांगकांग के खिलाफ विकेट निकालते देख सकते हैं या नहीं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इंडियन टीम की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा विकेट कौन ले रहा है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अब बारी आती है भाई दोनों टीम्स की, बढ़ते हैं इंडियन टीम की ओर। दोस्तों एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली टॉप ऑर्डर में, और तीनों ही अगर हम ओवरऑल देखें तो केएल राहुल तो भाई बिना खाता खोले पाकिस्तान के खिलाफ पवेलियन लौटे थे, लेकिन इस बार कारनामा कर सकते हैं डेफिनेटली। ये सोचने समझने वाली बात है, केएल राहुल के पास मौका है हांगकांग के खिलाफ एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी शुरुआत करने का। बारी आती है विराट कोहली की, दोस्तों 30 रन के आसपास इन्होंने 30-35 रन इन्होंने बनाए थे और टॉप ऑर्डर में कोशिश जरूर करी थी कि टीम को एक अच्छा स्टार्ट दे सकें, क्योंकि केएल राहुल जल्दी आउट हुए थे, रोहित शर्मा भी पवेलियन जल्दी ही लौटे थे, लेकिन बड़ी पारी खेलने में विराट सक्सेसफुल नहीं हुए थे। बट कोई गल नहीं जी, यहां पर सूर्य कुमार यादव भी मौजूद हैं, यहां पर हमारे पास हार्दिक पांड्या भी हैं। वी नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर हार्दिक पांड्या इज, क्या शो दिखाया था इन्होंने फर्स्ट मैच में।
33 रन तो डेफिनेटली बनाए थे और 3 विकेट भी अपने नाम लिए थे। अब इनके साथ साथ दोस्तों एक नाम और जोड़ना जरूरी है, वो है रविंद्र जडेजा, जो कि मिडिल ऑर्डर को काफी काम एंड क्वाइट लेके जा सकते हैं। 35 रन की पारी इन्होंने खेली थी जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हार्दिक और रविंद्र जडेजा की जोड़ी बेहद कारगर साबित हुई थी। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन स्कोर करते नजर आ सकते हैं अलॉन्ग विद दिनेश कार्तिक। अगर यहाँ पर ऋषभ पंत खेलते हैं तो देखना होगा दोस्तों पंत के पिटारे में क्या है। अब बारी आती है गेंदबाजों की। तो दोस्तों एज आई हैव सेड, भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट इन्होंने लिए थे और अर्शदीप सिंह इन्होंने चटकाए थे 2 विकेट। तो ये दो गेंदबाज काफी कारगर साबित हो सकते हैं। आवेश खान थोड़ा सा महंगे जरूर साबित होते रहे हैं, तो उनके ऊपर दारोमदार कितना रखना चाहिए ये देखना होगा। अब बारी आती है वही इनके अपोनेंट्स की। हांगकांग की टीम क्या कारनामा कर सकती है इनकी, अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे नजर डालें जो कि बेस्ट प्लेइंग 11 है, तो यहां पर यसीम मुर्तजा, नजाकत खान, बाबर हयात, किजित शाह, अजीज खान, स्कॉट मैकेंचनी, जीशान अली, हरुण अर्शद, एहसान खान, मोहम्मद गजाफर और आयुष शुक्ला हमें खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इनके में की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो 3 मैचेस में 3 विकेट और 130 रन बनाए हैं यासीर मुर्तजा ने। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, रन स्कोर करते नजर आएंगे, साथ ही साथ विकेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर यासीर मुर्तजा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इनके साथ साथ अगर हम बल्लेबाज की बात करें तो बाबर हयात ने भी डिसेंट बैटिंग करी थी, 3 मैचेस में 97 रन बनाए थे इन्होंने। 1 मैच में इन्होंने बहुत ही उमदा पारी खेली थी। ये बात हो रही है दोस्तों क्वालिफायर मैचेस की। अब ये तो हुई बात बल्लेबाजी की, जो कि दो ही अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड हुए हैं क्वालिफायर्स के दौरान। बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा सॉर्टेड दिखाई दिया है। यहां पर अगर हम देखें तो एजाज खान ने 3 मैचेस में 4 विकेट निकाले थे, तो वहीं एहसान खान की बात करें तो दोस्तों 9 विकेट इन्होंने लिए थे 3 मैचेस में। कंसिस्टेंटली विकेट निकाले थे अगेंस्ट कुवैत, सिंगापुर एंड यूएई, और इनको अच्छा सपोर्ट मिला था आयुष शुक्ला की तरफ से। पिछले 2 मैचेस इन्होंने खेले थे अगेंस्ट कुवैत एंड यूएई और 4 विकेट इन्होंने लिए थे इन दोनों मैचेस में। तो ये रहता है अभी तक का समीकरण हांगकांग की ओर से। तो भाई लोग अब बारी आती है फाइनल कंक्लूजन की। तो नो डाउट इंडियन टीम एक तरफ और हांगकांग टीम थोड़ा सा नीचे जरूर नजर आती है, बट यहां पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आपको नाम दिए हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं, आपकी ड्रीम 11 टीम में भी आ सकते हैं। जीतने की बारी आती है तो इंडियन टीम यहां पर एक और मुकाबला जीतती दिखाई दे सकती है या दे रही है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये तो हुई बात आज के इस मुकाबले की। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक और एनालिसिस के साथ और एशिया कप की तमाम अपडेट्स के साथ। भाई द 100 के भी अब लीग स्टेज खत्म हो रही है और फाइनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी नजरें लगातार बनी हुई है। दोस्तों सीपीएल शुरू हो रहा है तो उसके भी एनालिसिस आपको मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।